तो गाइस आपको मालूम चली गया होगा अभी के टाइम पे आपका गेम नहीं खुल रहा और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। जब भी आप लोग गेम खोलने का ट्राई कर रहे हो ना तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एरर डाउनलोड फेल रीट्राई। तो गाइस अगर इससे आप लोग परेशान हो तो गाइस इसको कैसे सॉल्व करना है और ये चीज गेम में होता किस लिए, ये सब बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो गाइस पहले हम लोग बात करते हैं ये होता क्यों है। देखो कोई भी गेम में कोई अपडेट आने वाला हो या कोई भी इनको गेम में कुछ भी छिड़खानी करते हैं, जैसे कि आज बनी का इवेंट आया है, वेव इवेंट टाइप का कुछ है, तो वो भी कुछ लाना होना गाइस, तो उस समय इस टाइप की चीजें हो जाती है, इस टाइप का बग हो जाता है गेम में। ये गाइस कॉमन सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये बात है मेन कि इसको सॉल्व कैसे करा जाए। तो गाइस इसे सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद होगा पहले भी गेम में लोडिंग प्रॉब्लम आ चुका है, उसमें क्या होता था गेम में आप अंदर नहीं जा पाते थे, मतलब कि गेम में कोई आप मोड नहीं खेल पाते थे, ठीक है। तो उस समय क्या था, ये हुआ था ज्यादातर जियो सिम वालों के साथ जिसका भी जियो 5G सिम है, ठीक है। तो वैसा ही गाइस अभी के टाइम पे वैसा ही सीन है, मेरा भी जियो 5G है और अभी के टाइम पे भी वही सीन हो रहा है, मतलब कि ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम है जियो सिम वालों के साथ हो रहा है। अगर गाइस मैं गलत हूं तो आप लोग कमेंट में बता देना कि जियो सिम के साथ हो रहा है या एयरटेल वालों के साथ भी हो रहा है, कमेंट में आप लोग बता देना, मैं सबके कमेंट पढ़ लूंगा, ठीक है। तो गाइस इसका सोल्यूशन पता है क्या है, मैंने भाई गेम खेलने के लिए पहले तो मैंने अदर सिम यूज किया, मतलब अदर सिम का जो वाईफाई होता है ना, एयरटेल का वाईफाई, तो गाइस मैंने उसको यूज करके गेम चालू करने का स्टार्ट किया, मतलब की कोशिश किया गाइस, और यहाँ पर गेम मेरे स्टार्ट भी हो गया। आप लोग जैसा कि देख सकते हो डिस्प्ले पे मैं लॉन वुल्फ खेल रहा हूँ। और गाइस अगर आपके पास जियो 5G का ही सिम है और आप लोग टेंशन में है कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सिम है, तो गाइस चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग को सिर्फ गई ना ये जो बग है ग्लिच होता है ना, गई ना सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे में सॉल्व कर देते हैं ज्यादातर केसों पे, ठीक है ना गाइस। आप लोग बस कमेंट करके यहाँ से ये बता देना कि आप लोग को किन किन सिम के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि आपके पास कौन कौन सा सिम है और आप लोग कहाँ कहाँ से, ये भी बता देना, बहुत ईजी रहेगा गाइस इससे मुझे आइडेंटिफाई करने में कि किन के साथ ये मेन प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद गाइस कुछ सोल्यूशन मैं ला सकता हूँ तो अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। और गाइस फिलहाल यही सोल्यूशन था कि आप लोग को अलग सिम से खेलना पड़ेगा, फिलहाल खेलना है तो।